औरत की मर्यादा के नाम पर तुम्हारे चरणों में किसी बेगुनाह का दिल किसने रखा है भगवान? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो जिस पर उसी अनाथ के अरमानों का खून लगा हुआ है जिसने तुम्हारी छाया में जन्म लिया, जिसने प्यार को अपना धर्म समझा, जिसने दुख और तकलीफों को अपनी परीक्षा की अंगार समझकर अपना सब कुछ चुरा लिया? मैं हूं वो बदबख्त, वो बदबख्त मैं हूं जिसकी आत्मा एक निशाचर की तरह दिन रात इन खंडरों में भटकती है। वो इन दीवारों से टकराती है, उसे किसी करवट एक पल चैन नहीं मिलता, और ये मोहब्बत के गुनाहगार सुख की नींद सोते हैं, ये सुख की नींद सोते हैं, दिन रात खुशियों से खेलते हैं और तुम्हारे चरणों में आकर अपनी पवित्रता का ढोंग रचाते हैं। क्या तुम इन पाखंडियों को अपनी शरण में जगह दोगे? क्या तुम इन पाखंडियों को माफ कर दोगे? औरत को तुमने दया और धर्म की देवी बनाकर इस धरती पर भेजा, उसकी सांसों में तुमने शक्ति दी, उसके सीने में तुमने दया और ममता के सागर भर दिए। फिर ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने जिसमें न दया है, न वफा है, न कोई धर्म है, न ममता है? ये कौन है? मैं पूछता हूं, ये कौन है जो इस धरती की लाज बनकर इस जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है? धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को, इसको कह दो कि यहां से चली जाए, धरती के उस कोने में जहां वैशी दरिंदे बसते हैं, जहां इंसानियत खुद अपनी लाश पर प्यार और शराफत के नाम का मातम करती है, इसको कह दो कि वहां चली जाए। शंकर, शंकर मैं यहां से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के कहती हूँ, बस करो शंकर। हरगिज नहीं, तुम्हें इस दुनिया से वही मिलेगा रूपा जो तुमने इस दुनिया को दिया है। तुम इसी तरह रोगी, इसी तरह तड़पोगी, रात की तन्हाइयों में अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें चैन से मरने नहीं देगी और मैं तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं दूंगा। चल जाओ यहां से। शंकर, क्या हुआ शंकर? ये तुम अकेले में किससे बातें कर रहे थे? इन खंडरों की मुर्दा रूहों से बातें कर रहा था माला। शंकर, माला, इस वक्त मुझे किसी के सहारे की बहुत जरूरत है। मेरे पास आओ, मेरे पास। शंकर, मेरे पास आओ माला। रूपा, रूपा। मेरा नाम रूपा नहीं शंकर, माला है। हाँ, तुम्हारा नाम रूपा हो भी नहीं सकता, तुम उसकी तरह बेवफा नहीं हो, तुम्हें शराफत है, अखलाक है, उसकी तरह छल कपट नहीं है। मेरा तुमसे मिलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं, हर वक्त मुझ पे कड़ी नजर रखती है। वो इस वक्त एक डायन की तरह हमारे चारों तरफ मंडरा रही है, उसे देखना चाहोगी? नहीं शंकर, वो मेरे बचपन की सहेली है, वो इतनी नीच नहीं हो सकती। एक बेवफा औरत का कोई धर्म नहीं होता वाला। चल देखो उस स्टोन के पीछे कौन छुपकर खड़ा है।